बख्शंदे ओ मेहरबान। अलन बा इजाज़े ये हमतन मादर से एमरूज रा आगाज़ मी कुनीम किताब मीना दो व सफ़े शुमारी शेश उन्वान दर से इमरूजी दस्तूर व उन्वान जैली सूरत मुस्बत व मनफी फ़ेल दोस्त दाश्तन दोस्त दाश्तन जी सर ग्रुप में पिक्चर्स शेयर हुई थी वो हम एंड में करेंगे। ऐसा है कि चूंकि दो दिन से हम जो एक्स्ट्रा करिकुलम जो दरूस हैं वो हम पढ़ रहे हैं तो ये चूंकि हमने आगाज़ किया हुआ था कि इनको हम शेयर कर रहे थे हम पढ़ भी लेते थे एक दो सफ़े तो ये आपके लिए विद द रिक्वेस्ट कि आप इसे पढ़ें। अगर आपको कोई लफ्ज़ समझ नहीं आता तो आप भले क्लास के दौरान पूछ सकती हैं या ये है कि आप लेटर ऑन टेलीफोन पर भी मुझसे रब्ता कर लें मैं आपकी खिदमत में हूँ तो इंशाल्लाह वो बड़ी आसान ये ज़बान में ये जो है ये चीज़ें आपको जो हैं वो पहुंच रही हैं। ठीक है जी तो सफ़े शुमारे ये शेष दस्तूर सूरत मुस्बत व मनफी फ़ेल दोस्त दाश्तन जिसको हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो किसी चीज़ को पसंद करना या चाहना टू लव समवन टू लव समथिंग दोस्त दाश्तन तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म जो है वो दाश्तन दाश्त दार दोस्त दाश्त और दोस्त दार। तो अब हम जो है इसकी जो पहली मश्क है तमरीन एक बेनज़रे शुमा खुदम गज़ा सालिम तरस फास्ट फूड या सब्ज़ी जात सालिम तर जिसको हम होलसम कहते हैं कि ज़्यादा सेहत के लिए मुफीद चीज़ जो है तो आपसे ये सवाल किया गया है कि नीचे जो तस्वीर है उसमें कुछ ग़ज़ाएँ उनकी तस्वीर मौजूद हैं तो आप ये बताइए कि क्या सब्ज़ियाँ खाना जो है ये सेहत के लिए अच्छा है ये ज़्यादा मुफीद है या कि फ़ास्ट फूड जो है उसको उसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा बेहतर है। पहली तस्वीर जो है वो उसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा खानम तबस्सुम शेरवानी साहिबा से कि आप देखें कि पहली तस्वीर के नीचे क्या लिखा है बिन यामीन अब आप देखें कि उसके सामने गजा पड़ी हुई है तो फास्ट फूड अच्छा नहीं लगता फास्ट फूड अच्छे जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी बच्चे जो है इसे पसंद करते हैं तो उसने एक तरफ कर दी उस खाने को जो कि फास्ट फूड है और दूसरा जो है जो सब्ज़ी वगैरह हैं वो उसने अपने करीब रहने दी इसका मतलब उसे सब्ज़ियाँ पसंद हैं। जी खाना में अकीला अब आ जाएं आप दूसरी तस्वीर वहाँ उसके बारे में बोलें भले और उसी तरह वो उसकी सेहत भी मेरी तरह खासी माशाल्लाह सेहतमंद भी हैं तो ये इसका मतलब है कि फास्ट फूड बंदे को सेहतमंद रखता है बिल्कुल इसके आपको किसने कहा कि आप भी डरे हैं वो आप तो आजकल मेरी बेगम अक्सर मुझे कहती है कि वहाँ से मीटर उठाओ और अपना चेक करो कि आप कितने मोटे हैं मैं क्या आप ये चीज़ें भी नहीं खाते थे फास्ट फूड नहीं हम नहीं खाते जी
तो अब इसके बाईं तरफ आते हैं तो हमारे पास दो जदवल नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर पहला जो सतून है वो है ज़मीर फ़ाइली और उसके आगे जो है वो फेल दिया गया है। तो मैंने आपसे एक गुजारिश की थी कि अगर हम 18 अलामात जो हैं अगर उनका सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपका जुमला कभी भी गलत नहीं होगा। वो 18 अलामतें क्या हैं? पहला ज़मीर मुनफसल या ज़मीर जुदा या जिसे हम ज़मीर फ़ाइली भी कहते हैं, तो वो आपके सामने देखे मन थो ऊ मा शुमा और ओन्हा, छः अदद तो ये हो गई। उसके बाद छः ज़मीर वो हैं जिनको हम ज़मायर मुत्तसिल या जॉइनिंग प्रोनाउन अंग्रेज़ी में हम कहते हैं, जिनको जो है इस्म के साथ जोड़ा जाता है, इनको हम पोजेसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। तो इनको पोजेसिव प्रोनाउन को हम ज़मायर मिल्की इसका ट्रांसलेशन भी करते हैं और वो भी छः हैं, मीम ते शीन मान तान और शान, ये 12 हो गए। अब 6 अलामात और हैं, वो 6 अलामात जो हैं वो हैं शनासहाये सरफ़ी। ये शनासहाये सरफ़ी क्या हैं? शनासहाये सरफ़ी जो हैं इनको हम जो है कॉन्जुगेशनल एंडिंग्स भी बोलते हैं। कॉन्जुगेट किसी चीज़ की गर्दान करना, गर्दान जो है वो हमेशा फेल से की जाती है, बिल्कुल जैसे उर्दू की हम गर्दान अगर करते हैं कहते हैं कि मैं गया तू गया वो गया हम गए आप गए वो गए, ये उर्दू की गर्दान जाने से हमने कर दी, फेल जाना है उससे कर दी। तो इसी तरह फ़ारसी की गर्दान भी जब हम करते हैं तो फ़ारसी की गर्दान जब हम की जाती है तो फेल के आखिर पर जो जो अलामत उसके साथ इजाफ़ा की जाती है फेल को, उसे हम शनासहाये सरफ़ी कहते हैं। यानी वो अलामत जो गर्दान के अंदर सर्फ के अंदर इस्तेमाल की गई है और वो हैं मीम ये दाल यम यद नद। अब आपके पास मैंने 18 अलामात जो हैं वो गिन दी हैं, अब इनका सही इस्तेमाल आपके सामने नज़र आ रहा है। जिस वक्त आपने दाश्तन की मैंने आपको तीनों हालतें मैंने पहले अर्ज़ की थी, दाश्तन दाश्त और दार, तो मन दूस दौरम, अब देखें मन के साथ मीम जो है ये शनासह सरफ़ी इस्तेमाल हुआ है, थो दूस्त दारी तो के लिए शनासह सरफ़ी ये इस्तेमाल किया गया, ऊ दूस दौरद ऊ सिवम शख्स मुफरत थर्ड पर्सन सिंगुलर उसके लिए दाल की अलामत इस्तेमाल हुई, फिर मा दूस दारीम ये यम लगा यहाँ आखिर पर और शुमा दूस दारीद यहाँ आखिर पर यद का लफ्ज़ आ गया और अनहा दूस दौरंद नून दाल आखिर पर आया। अगर आपने शुमा के आखिर पर फेल के साथ नून दाल लगा दिया तो आपका जुमला गलत हो गया। यही हमने जो है इसका ख्याल रखना है कि अगर मैं मन को बतौर फ़ाइल जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसके आखिर पर फेल के साथ जो अलामत आएगी वो मीम आएगी, ये मीम नहीं आएगी। मसलन हम ये कहें कि मन दूस दारम, ये तो ठीक है, लेकिन मन दूस दारीम कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो लिहाजा आप सब से दरख्वास्त ये है कि आप इन 6 और 6 और 6 ये 18 अलामात जो हैं इनको अपने बाहमी जो ताल्लुक़ है उसके मुताबिक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जुमला जो है वो गलत नहीं होगा। तो अब यह है कि एक छोटा सा जो इजाफ़ा है, एक ज़माने में कदीम जब ज़माना था तो हमारे पास एक प्रीफिक्स ऑफ नेगेटिविटी या नेगेटिव प्रीफिक्स जो था वो मीम इस्तेमाल होता था। किसी भी फ़ारसी फ़ेल को मनफी करने के लिए
उससे पहले मीम का इजाफा कर दिया जाता था, लेकिन अब मीम जो है वो मतरूक हो गया और उसकी जगह नून ने ले ली है। तो अब हमने किसी भी फेल को अगर मुसबत से मनफी में तब्दील करना हो तो हम फेल से पहले नून का इजाफा करते हैं, और यही आपके आज के दर्स का उन्वान है। और वो उन्वान यह है कि सूरत मुसबत व मनफी फेल दूस दाश्तन। जब हम कहें कि दूस दाश्तन तो ये मुसबत हालत है, और अगर हम कहें दूस न दाश्तन, दाश्तन से पहले हमने नून लगा दिया तो अब ये मनफी हो गई। अब आप आगे देखें कि इसकी जो प्रेजेंट फॉर्म है जिसको हम सिता के हाल या फेल मुजारे भी कहते हैं दूसरे जदवल में, तो मन दूस न दौरम, ऊपर था मन दूस तारम, दूसरे में मन दूस न दौरम, थो दूस न दौरी, ऊ दूस्त न दौरद, मा दूस न दौरीम, शुमा दूस न दौरीद, अनहा दूस्त न दौरंद। कशफ कायदे, कायदा जो है बड़ा वाज यहाँ लिखा हुआ है कि बरा ये सरफ फेल दूस दोस्तन दर जमान हाल शनासे बे दूस्त बे इजाफ़ ये दौर इजाफ मीशवद। तो अगर हम इसकी प्रेजेंट फॉर्म ले जाएं दूस दाश्तन की, तो कहता है कि इसका जो प्रेजेंट फॉर्म है वहाँ आपने दाश्तन की बजाय दार को इस्तेमाल करना होगा। आपकी खिदमत में मैं एक और बात अर्ज़ करूं कि हमारे यहाँ जब हम इब्तदाई अंग्रेज़ी के असबाक पढ़ते हैं तो वहाँ हैव और हैज़ का इस्तेमाल भी पढ़ा जाता है। हम सीखते हैं कि आई हैव अ बुक, ही हैज़ ए बुक, मैं एक किताब रखता हूँ, या मेरे पास एक किताब है, उसके पास एक किताब है। तो हैव और हैज़ के लिए जो फ़ारसी ज़बान का फ़ेल इस्तेमाल होता है वो यही फ़ेल दार है। हम कहते हैं मान ये किताब दौरम, आई हैव ए बुक, तो ये किताब दौरी, यू हैव ए बुक, ही हैज़ अ बुक, वो ये किताब दौरद, वी हैव ए बुक, मा ये खिताब दौरीम, यू प्लूरल हैव अ बुक, शुमा ये खिताब दौरीद, दे हैव ए बुक, उन्हा ये खिताब दौरंद, दे हैव ए बुक। तो ये जो है दार का इस्तेमाल जो है, यानी हैव और हैज़ का इस्तेमाल जो है, ये भी आप इसी फेल दाश्तन जो है उससे आप इस्तेमाल करेंगे उसे। तमरीन दो, गूश कुनीद व मुशख्स कुनीद, औरश छः चीज़ हाई दूस दौरद व छः चीज़ हाई दूस्त न दौरद। मुतासिफाना मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, तो अगर रिकॉर्डिंग होती तो हम उसको स्टार्ट कर देते। तो यहाँ कोई पांच मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग हैं आरश की। आरश एक लड़का है जो यहाँ हमारे सामने जिसका ज़िक्र हो रहा है। तो अब ये जो पांच चीज़ें हैं उनके सामने उसके बिल्कुल मुकाबल में दूस दौरद व दूस न दौरद, यानी ही लाइक्स और ही डिसलाइक्स, ये जो है ये सामने दो सतून दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है पिज़्ज़ा, फिर दूसरा है, चलिए मैं ये डॉक्टर शमीम साहबा पर छोड़ता हूँ, आप बराए मेहरबानी ये पांच चीज़ें हमारे लिए पढ़ दें जी। जी डॉक्टर साहबा जी, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा रफ्तन व खाना अबू सहरा से तमाशाई ये नामे जरी चहार रफ्तन व पाक पांजे आबादी करदन दर खाना। हाँ मैं पढ़ता हूँ, पिज्जा दोस्त न दार, पिज्जा मन पिज्जा दोस्त न दारम, मन पिज्जा दोस्त न दारम, बिल्कुल ठीक है। आगे रफ्तन अच्छा,
تو برفت تو رفتن به خانه امو سراب به سراب آپ کہہ سکتی من دیروز به خانه امو رفته بودم یا من دیروز به خانه امو رفتم میں چچا کے گھر کل گئی پھر تماشا یہ ٹام و جیری یہ ٹام اینڈ جیری وہی کارٹون جو آپ کارٹون فلموں کے دیکھتے ہیں بچے تو ان کا ذکر ہے کہ آپ کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے پھر رفتن بے پارک ہے من تماشا یہ ٹام اینڈ جیری دوست دارم ہاں ایک پو من رفتن بے پارک من پارک من به پارک رفتن دوست دارم من دوست دارم به پارک بروم من دوست دارم هر روز به پارک بروم تو آپ مختلف انداز سے اس کو جو ہے استعمال کر سکتی ہیں آپ کہہ سکتی ہیں جی اس کی کیا ہوگا کہ میں روزانہ صبح مارننگ واک کرتی ہوں من هر روز صبح پیاده روی میکنم من ہر روز صبح صبح نہیں ہے صبح دیکھیں فارسی زبان میں لفظ کے آخر پر جو ہے ساکن آتا ہے اس کو ہم تلفظ نہیں کرتے اسی طرح عین آخر پر جو آتا ہے اس کو ہم تلفظ نہیں کرتے دوست جو ہم اردو کا تلفظ ہے جسے فارسی میں دوست کہتے ہیں تو اس کا تے جو آخر پر ہے اس کو بھی ہم پوری طرح تلفظ نہیں کرتے جیسے فرض کریں ہم کہیں گے اردو میں کہیں گے شمع لیکن فارسی میں شام اردو میں ہم کہیں گے صبح لیکن فارسی میں ہوگا صبح شام صبح کات یہ ذہن نشین ہونا چاہیے تو پانچواں جو ہے بازی کردن جی جی یہ تماشا یہ تام جہری جو ہے راہ دوست دارم ہوگا یا صرف دوست دارم دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو آپ مفعول سری کرنا چاہتی ہیں یا مفعول غیر سری کرنا چاہتی ہیں آپ نے ڈائریکٹ آبجیکٹ کا بھی پڑھا ہوگا انڈائریکٹ جاب مارک کا بھی پڑھا ہوگا را لگا سکتی ہیں اگر آپ نے لگانا ہے لیکن گفتاری میں کئی دفعہ ان چھوٹی چیزوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا اور آپ کے سامنے بھی ریئل آف را جو ہے وہ نہیں کیا گیا آپ جیسے کہتی ہیں من بے خانے رفتم لیکن جب گفتگو کر رہے ہوتے تو وہ کہتے ہیں من خانے رفتم یا بلکہ کہتے ہیں من رفتم خانے لفظ ہاں تو یہ جو ہے ان کے گفتگو کے انداز میں جو ہے کوئی قانون جو ہے اس میں جو ہے وہ معنی نہیں ہوتا تو وہ یہ اپنے دل کی بات جو ہے جیسے بھی دل چاہتا ہے کہہ لیتے ہیں تمرین سے جدول زیر الاغ مندی ہائی چند نفر را نشان می دهد اب نیچے جو ہے یہ بڑا واضح ہے کہ یہ کوئی چار مختلف اشخاص کے نام دیے گئے ہیں پہلے ستون میں پھر اس کے آگے ان کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون سی چیز کو پسند کرتے ہیں وہ کون سی چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں تو جدول زیر الاغ مندی های چند نفر را نشان می دهد از هم کلاسی های خود نیز درباره الاغ مندی هایشون بپرسید آپ اپنے جو کلاس فیلوز ہیں ان کو ان کی پسند کی چیزوں کے بارے میں پوچھئے آپ کے سامنے مثال کے طور پر یہاں بتایا گیا ہے کہ کون سی چیز فلاں کو پسند ہے کون سی پسند نہیں ہے اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے کلاس فیلوز آپ کو ان چیزوں سے ہٹ کر اگر کوئی چیز بیان کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا سپس الاغ مندی های افراد را با استفاده از فعل دوست داشتن و دوست نداشتن با هم مقایسه کنی تو آپ جب آپ کو اپنے دوستوں کی جو ہے وہ پسند یا ناپسند کا پتہ چل جائے تو پھر آپ نے فعل دوست داشتن یہ جو ورب ہے دوست داشتن جو انفینیٹیو ورب جو ہے اس کو استعمال کر کے آپ جملہ بندی بھی کر سکتے ہیں یا اس جدول ایسا بنا سکتے ہیں تو آپ میں سے کوئی صاحب جو ہے وہ ایک ایک لائن پڑھنا شروع کر دیں ہم چلتے ہیں اب محمد اسماعیل صاحب کے پاس جی اسماعیل صاحب
नहीं है। चलिए मज़हर हुसैन साहब, कामरान, ये इस्माइल साहब आकर चले गए। जी इस्माइल साहब चले, आप पढ़ें, फिर उसके बाद मज़हर साहब पढ़ लेते हैं। नहीं, आप कुछ इस तरह पढ़ेंगे, कामरान नान खामई रा दूसरा दौर है, अम्मा वॉलीबॉल रा दूसरा दौर है, या फिर आप कह सकते हैं कामरान माकारूनी दूसरा दौर है व फिल्म है ये तारसनाक हम दूसरा दौर है। तो ये आप इस तरह ज़रा थोड़ा सा बयान कर देते हैं तो और बेहतर है। अब पहला सवाल ये है कि नान खामई क्या है? जी सर, ये नान खामई जो रोटी होती है। हाँ जी, देखे माशाल्लाह जी। खामे किसको कहते हैं खाना सर? उसके ऊपर जो तिल से लगे होते हैं। तिल को हम फारसी जबान में कुंजद बोलते हैं, कुंजद। तो ये जी मैं अर्ज करता हूँ, फारसी जबान में बालाई जो होती है, दूध की बालाई या क्रीम के लिए लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है जी, वो कहते हैं खामे उसको। उसके लिए और लफ्ज़ भी मौजूद हैं, सरशीर भी कहा जाता है। क्यों जी? जिस वक्त दूध को उबाला जाता है तो उसके बाद ठंडा होने के बाद उसके ऊपर सतह पर जो तह जम जाती है तो इसीलिए उसको सरशीर कहा जाता है। इसके लिए एक और लफ्ज़ भी है, तुर्की ज़बान का है और वो कैमाक है, काफ करशत से है, दोनों जगह काफ करशत है, कैफ ये मीम अलिफ और काफ कैमाक। तो ये कैमाक, खामे और सरशीर, ये सारे तीनों लफ्ज़ जो हैं ये क्रीम के लिए, तो यानी क्रीम वाली रोटी, ये इसके मानी हैं। वॉलीबॉल वही अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। मकरूनी ये इटालियन फूड है जिसको हम स्पेगेटी भी कहते हैं। फिल्म है ये तारसनाक हॉरर फिल्म। जी हॉरर फिल्म। जी मज़हर साहब आपकी बारी है। फरिश्ते 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 फुर्श की क्रीम है, दूसरा औरत, दूसरा औरत जी, अम्मा कौन औरती दूसरा औरत, बिस्यार को जलोतर बेरिंग कहवे व कहवे व बर्फबारी बर्फबारी कहवे व बर्फबारी रा दूसरा औरत, दोनों चीज़ें पसंद हैं, ना कॉफ़ी पसंद है ना उसको बर्फ़बारी पसंद है। तो आगे चलते हैं जनाब शेरशाह साहब, आपकी बारी है। अफशीन। ओके सर, अफशीन हमबर्गर दोस्त दारा वाले हमबर्गर व शाना दोस्त दारा दोस्त मिला वह ख़रीद कर दें, शॉपिंग भी उन्हें पसंद नहीं है। इसमें लफ्ज़ शना इस्तेमाल किया गया, आपको पता है शना के क्या मानी है? स्विमिंग जी, तैराकी जो है उसके लिए लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया जाता है। जी साकिब हया साहब आपकी बारी है, अब आपके सामने मिसालें मौजूद हैं, आप किसी एक क्लास फेलो के बारे में बता रहे हैं तो आप यहाँ बताएं, ये खाली जगह पर आप कौन से अल्फाज को जगह देंगे? जी मोहतरम साकिब हयात साहब, चलिए साहब मेरा ख्याल मशगूल हैं तो हम आगे चलते हैं। सफ़े शुमारे ये 9, किताब मीना 2, दस्तूर ज़मीर इन 81। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इसे कहा जाता है। मैं अगरचे मैं यहाँ
जी सफ़ा नंबर 9 गलत तो नहीं आ गया? हाँ जी मेरा, हाँ हमने 7 पर जाना है, सफ़ा नंबर 7। हाँ शुमा आशिक कुदम गजा हसी, आप कौन सी गजा के आशिक हैं? तो ये देखें बड़े लजीज खाने आपके सामने जो हैं वो आ गए हैं। तो शुरू करते हैं, किसी मोहतरमा चले आप, मोहतरमा शेरवानी साहबा पढ़ें, जो कैसे आप इनको पढ़ेंगी, इब्तदा कैसे करेंगी, ये 1 2 3 जो तमरीनात हैं। जी बिस्मिल्लाह, तमरीन 1 क्या लिखा है? हाँ यही यही, इसी को हम तीत्र बोलते हैं, तीत्र से मुराद है हेडलाइंस। हाँ जी शाह सुर्खी, वाह बिल्कुल ठीक। यानी क्या हुआ, आप इसके मानी समझे हैं? ये भी साथ साथ बताते जाए ताकि सबको पता चल जाए। सर मुझे तो ये समझ आई कि आपका कॉमी खाना कौन सा है। हाँ नहीं ऐसा नहीं, ये कहते हैं कि फिक्र मी कुनीत मुहिम तरीन वीजगी है ये गजा ये मिली चीज। क्या आप इसके बारे में सोचते हैं कि जो हमारी कौमी गजा है उसकी जो सबसे अहम खसूसियत है वो कौन सी खसूसियत है? जो भी हमारी, अब हम दाल चावल अगर अपनी नेशनल फूड कर लें तो शायद उसकी कोई अहमियत होगी या कोई और चीज़। जी तमरीन 2। हाँ वीजगी स्पेशलिटी खसूसियत, ये वीजे जो है असल लफ्ज़ जो है वो है वीजे, वाओ ये और हे वीजे यानी ख़ास, और उसके बाद जब हम वीजे के साथ एक ये का इजाफा कर दें तो ये लफ्ज़ जो है वीजगी बन जाएगा, फिर हे ख़त्म हो जाएगी और हे की जगह गाफ ले लेगी, तो वीजगी स्पेशलिटी। मैं इसकी एक और मिसाल आपकी खिदमत में बयान करता हूँ, लफ्ज़ है जिंदे जिसे हम उर्दू में ज़िंदा तलफ़ुज़ करते हैं, अगर हम लफ्ज़ ज़िंदा के बाद ये का इजाफा करें तो जो हमें हासिल होगा लफ्ज़ वो होगा ज़िंदगी, हे जो है वो गाफ में तब्दील हो जाएगा और ये लफ्ज़ हो जाएगा ज़िंदगी। इसी तरह ये वीजगी का लफ्ज़ जो है ये बना। जी खानम शेरवानी साहिबा दूसरा लफ्ज पढ़ें। जी फिजाई मिली किश्वर शमा चीज व अच्छे नवादी दुरुस्त पेशवर, आपके मुल्क का आपका कौमी खाना कौन सा है? जी जी, और वो किस चीज है, किस मवाद से जो है उसको तैयार किया जाता है, और तीसरी जी मवाद गजाई है मटेरियल। जी तीसरा ठीक, अब वो कहते हैं कि आप मतन कहते हैं इबारत को, मतन बेखानीद आप इबारत को पढ़िए व अनवाए मुख्तलिफ कबाब नाम बेबरीद, नाम बोर्दन से मुराद है नाम लेना, आप इस इबारत को पढ़ें और आप कबाब के मुख्तलिफ जो नाम हैं उसको आप बताइए या उनके नाम लें। अब हम आ जाते हैं, जी इसको तब्दील कर लें, एक मिनट का हम वक्फा लेंगे और फिर इंशाल्लाह जो है ये इख्तिताम तक आपको जो है वो दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। रहीम औशिक कुदम गजा हस्ती नौबत छे कसियास, अब फिर ये जनाब आ गए शब्बीर साहब ऊपर नज़र आना शुरू हो गए हैं। चलिए शब्बीर साहब आप पढ़िए, फिर बारी बारी हम आगे चलते जाते हैं। भले मैं सर 2 मिनट बाद आपको करता हूं, मैं जी बिल्कुल ठीक है, चले ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस्माइल साहब से।
जी पढ़िए जी, आशिक कुदुम गजा हस्तीद। क्या आप पसंद करेंगे कि इसका उर्दू तर्जमा हमें बता दें ताकि सबको पता चले आपने क्या पढ़ा है? जी मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, बहुत मेहरबानी शुक्रिया। बिस्योरी अज कश्वर हो बेदाश्तन ये गज़ा ये मिली मारूफन। बहुत सारी ममालिक जो हैं वो अपनी एक ख़ास कौमी गज़ा या नेशनल डिश जो है उसकी वजह से मशहूर हैं। ये गज़ा ये मिली मखसूस एक या चंद कौम नीस्त, एक जो नेशनल फूड होता है वो किसी एक कौम या एक मुल्क के लिए मखसूस नहीं होता। वह मुमकिन अस जदीद या कदीम बौशत, वो डिश जो है वो जो गज़ा है वो मुमकिन है कि बिल्कुल ताज़ा भी नई हो सकती है या फिर ये है कि वो एक बहुत सदियों से चली आ रही है। जैसे आपको ईरान में कुछ चीज़ें मिलती हैं हमारे यहाँ भी ऐसे ही है। तकरीबन हमें मर्दों में ये कश्वर, तकरीबन एक मुल्क के तमाम लोग गज़ा ये मिली है उन कश्वर रा दूसर दौरान, वो अपने मुल्क की गज़ा को पसंद करते हैं। व बिस्योरी अज रेस्तुरान हो उन दरमीनू ये खुद खरार मिदहन, और बहुत सारे रेस्टोरेंट जो हैं उस गज़ा को अपनी फहरिस्त में शामिल कर लेते हैं। ये लफ्ज़ अंग्रेज़ी का मीनू जो है उसको उन्होंने मीनू ये खुद किया कि अपने मीनू में उसका इजाफा कर लेते हैं। बीद सरी बे रेस्तुरान हो ये से कश्वर बेजनिन, लेट अस विजिट द रेस्टोरेंट ऑफ थ्री कंट्रीज। ये लफ्ज़ जो बीद है ये बिल्कुल लेटस जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरी बेजरी, सरी जदन से मुराद है टू पे अ विज़िट, किसी जगह एक विज़िट करना सरी जदन है। तो वबिबिनिम और हम ये देखें शुमा आशिके कुदुम गज़ाई मिल्ली मीशवीद। अब हम देखते हैं कि ये जो तीन मुल्कों के रेस्टोरेंट में हम जाएंगे वहाँ उनकी तीन मुल्कों की जो है उनकी नेशनल डिशेस मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि आप कौन सी गज़ा जो है उसको आप पसंद करते हैं या कौन सी गज़ा के आप आशिक हो जाते हैं। सबसे पहले ईरान है, कश्वरे ईरान। जी शब्बीर साहब आप फारिग हो गए? चले खैलो खूब रसीदन बखैर व ईरान चलो कबाब। आधा आपने पढ़ना है, आधा आप पढ़ेंगे आधा खानम अकेला पढ़ लेंगी। जी از دوران قاجار به بعد در صفحه غذایی ایرانیان جا باز کرد. این غذا شامل گوشت چرخ کرده یه بره یک بیز. گوشت را به صورت استوانه‌ای به سیخ می کشند و کباب می کنند. کباب همراه با برنج زعفرانی
و گوجه کبابی سر می شود. خیلی ممنون خانم اکیلا. اب اکیلا بی بی آدھا آدھا کریں گے تو چھ بندے پڑھ لیں گے ہم. جی کباب ہمرا بابرنگے زعفرانی گوجہ یہ کبابی سر صرف سر سے فارسی پڑھنی ہے؟ جی بتا دیں آپ اردو بھی سمجھا دیں ہمیں. سر سمجھانا نہیں 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 ہمیں سمجھ نہیں ہے. میں نے اپنی غلطی نکلوانی ہے. چلیے بسم اللہ. ہمرا بابرنگے زعفرانی کباب جو ہے وہ زعفرانی رنگ کے چاولوں کے ساتھ گوجہ کبابی سر می سوڈ اور گوجہ کبابی جو ہے کباب کے ساتھ جو ہے انہیں پیش کیا جاتا ہے. اور پھر ہے کہ این اس کے نہیں سما کے لیے یا سما کے کہوئی ادویہ یہ کباب است سما ان کی ایک ڈش ہے نا سر؟ نہیں ڈش نہیں ہے. ڈش جو ہے وہ کباب ہے. سماگ جو ہے وہ ادویہ ہے. یہ اس کا مسالہ ہے. جی سرخ رنگ کا جو مسالہ ہے یا سماگ کے کہوے کی یا براؤن رنگ کا ادویہ کباب وہ کباب کی وہ لوازمات میں سے ہے یا اس کے مسالے ہیں. دلیل استفادہ عام دوبیے کباب کی نہ سکتے ہنگامے کباب کے دن نہیں. اسے ہم کیوں استعمال کرتے ہیں یہ اس کی وجہ بتائیے کہ اس کو کباب کے ساتھ کیوں استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ بتائیں گے. تو تھوڑا سا اس کا جو مواد ہے انگریڈینٹ ہے نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت آپ گوشت کو بھونتے ہیں کباب کردن سے مراد ہے ٹو روسٹ سم تھنگ. جب ہم کسی چیز کو کوئلوں پر بھونتے ہیں تو اس کے اندر ایک ایسا مواد پیدا ہو جاتا ہے جو پوائزنس ہوتا ہے. مواد سمی زہریلا مواد. جی تو سماک میں یہ خصوصیت ہے کہ اس زہریلے مادے کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیتا ہے. جی آگے کباب برگ ششلیک یہ سارے کباب کی اقسام ہیں. جی جی میں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں یہ سارا تو آپ بھی سنیے. ایران چلو کباب از دوران کاجار به بعد در سفره غذای ایرانیان جا باز کرده است. کاجار ایک خاندان ایران میں جو حکومت ان کی رہی ہے کاجاری خاندان کی تو ان کا آخری معروف بادشاہ مظفر الدین کاجار تھا. تو کہتے ہیں کہ اس کے زمانے میں یہ جو چلو کباب کی جو ڈش ہے اس نے جو ہے وہ لوگوں کے دسترخوان پر اپنا راستہ جو تھا وہ کھولا یعنی یہ ان کے دسترخوان تک جا پہنچی. ان غذا شامل گوشت چرخ کر دے اس غذا میں جو چیز سب سے بڑا انگریڈینٹ ہے وہ ہے گوشت چرخ کر دے. گوشت چرخ کر دے سے مراد یہ ہے کہ منسڈ میٹ وہ گوشت جس کا ہم قیمہ بنا لیتے ہیں جس کو ہم کسی جو ہے وہ مشین کے اندر سے گزار کر جو ہے اس کو قیمہ کر دیں تو وہ گوشت چرخ کر دے ہے. گوشت چار کر دے یہ برے برے کہا جاتا ہے بکرے کو و گوسالے یا پھر بچھڑے کا گوشت یہ دونوں کے جو ہے نا اس سے کباب تیار کیے جاتے ہیں. گوشت را بے صورت استوانی بے سیخ می کشن گوشت کو بیلن نما وہی جو لمبائی کی طور پر ہوتا ہے اس کو ایک سیخ کے اوپر جو ہے وہ چڑھا دیا جاتا ہے. وہ کباب می کنن اور ان کو جو ہے وہاں روسٹ کیا جاتا ہے. کباب ہمراہ با برنج زعفرانی یہ کباب جو ہوتے ہیں ان کو
ज़ाफ़रानी चावलों के साथ। अब ज़ाफ़रानी चावल ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं कि वो 100% ज़ाफ़रान में पकाए गए हों, बल्कि उबले हुए चावल, उसके कुछ थोड़े से चावलों को जो है वो ज़ाफ़रान से ज़र्द रंगीन कर लिया जाता है और उसको डिश के ऊपर जो है ख़ूबसूरती के लिए जो है उसको ड्रेसिंग कर दी जाती है, तो वो ज़ाफ़रानी चावल कहलाते हैं। व गुजे ये कबाबी सार मिशवाद, और इसके साथ साथ जो है जो टमाटर होते हैं उनको भी एक सीख चढ़ाकर उनको भी कबाब के साथ जो है कबाब कर लिया जाता है, जैसा कि आपको इस डिश के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है। ये जो काली लाइन वाले कबाब हैं ये कीमे के हैं, और वो जो सफ़ेद वाले हैं वो जूजे कबाब हैं, वो जो है मुर्ग के कबाब हैं। तो अब आप आगे चलते हैं। सुमा के केरमेज या सुमा के कहवई, सुमा ये दो किस्म का सफ़ूफ होता है और ये एक जड़ी बूटी से लिया जाता है, तो दो तरह का है, एक तो सुर्ख है और एक ब्राउन है। अदविया ये कबाब है, ये कबाब का जो है एक मसाला है। अदविया जो है ये मिर्च मसालों को फ़ारसी ज़बान में अदविया कहा जाता है। व दलील इस्तेफादे ऑन रुए कबाब इनस, ये सुमाक को कबाब के ऊपर स्प्रे करके इस्तेमाल करने की जो दलील है वो ये है कि हंगाम में कबाब शुदन गोश्त, जिस वक्त जो गोश्त जो है वो भुन जाता है, कमी मवाद समीदार उन तौलीद मिशवाद, उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा जो है जहरीला मवाद पैदा हो जाता है, तौलीद शुदन यानी उसके अंदर पैदा हो जाना, तख्लीक हो जाना। सुमाक इन समरा अजबैन में बरत, अजबैन बुरदन किसी चीज़ को सिरे से ख़त्म कर देना, तो ये सुमाक में ये खसूसियत है कि उस जहर को जो है ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। कबाब बार्ग ये एक किस्म है, ये बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ गोश्त जो है उसके जो है वो पार्शे बना लिए जाते हैं, चौड़े चौड़े कतले बना दिए जाते हैं, तो उसको जब आप सीख पर चढ़ा दें और जब उसके कबाब बनाएं तो वो कबाब बर्ग जो है वो कहलाता है। इसी तरह कबाब कोबीदे वो कीमे का कबाब है। कबाब चेंजे जो है ये भी उन्हीं की कोई किस्म है। शिशले की ये भी किस्म है, या फिर सुल्तानी। ये देखें ये को 5 किस्म की मुख्तलिफ उन्होंने जो है ये अनवाओ अकसाम है, तो उसमें थोड़ा बहुत जायके का फ़र्क होगा, बाकी कबाब कबाब ही होते हैं। अब बारी है जनाब मज़हर हुसैन साहब की, आपने ये अफ़ग़ानिस्तान चले जाना है और आधी इबारत आपने हमारे लिए पढ़नी है। जी अफ़ग़ानिस्तान जी काबली पुलो, इसमें दोनों जी काबल, उन्होंने इसकी इसकी आपके लिए इमला बताई है कि दोनों तरह से इसको लिख लेते हैं, अलबत्ता जो कुछ मुरवजा तरीक़ेकार है वो दूसरा जो काबली है काफ़ कलेबन वो ज़्यादा रवाज है उसका। जी हर हाल इन गजाए मिली है वह इंसान यानी कि हर हाल में ये वो गजाए मिली है इंसान का जो। अब वो कह रहा है कि चाहे आप इसको काफ़ करश से लिखें चाहे काफ़ कलेमन से लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो है ये अफ़ग़ानिस्तान की नेशनल जो है वो डिश है। जी वज़ाही काबिल हम नामीदे मिशावत और बाज़ोगा जो है वो तभी जो है वो काबली, खाली काबली भी कह दें तब भी पता चल जाता है कि ये किसका जिक्र है। जी ठीक है। इन गज़ा अस तरकीब तरकीब करंच कश्मेश हवेश व गोश्त मामूलन बर्रे तहिये में बर्रे तहिये में शवाद व गज़ाए मजलिसी बेहिसाब में आयत। बस यहाँ तक आपने करना। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि इन गज़ा और जो ये जो गज़ा इसकी जो काबली पुलो है इसकी
तरकीब वही है कि उसमें चावल होते हैं, किशमिश होती है, हविज कैसे होता है, गाजर, गाजर सही है। अच्छा गाजर के लिए एक चलते चलते मैं एक और इजाफा कर दूं कि गाजर के लिए दूसरा नाम जो है वो जरदक भी है, ज़ेरे दाल काफ, जरदक भी गाजर को ही कहते हैं जी। तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है जी। शेरशाह साहब अब आप हमारे लिए कुछ पढ़ेंगे। नहीं है डॉक्टर शमीम साहबा जी, डॉक्टर साहबा गुर्जिस्तान डॉक्टर साहबा नहीं है। चलिए जनाब मोहम्मद साकिब हयात साहब। सर मैं हूँ। हैं अच्छा अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चले चले सर आवाज से पता चल रहा है कि भाई तड़प था। जी बिल्कुल आप गुर्जिस्तान चले, ये एक नई गजा है जिसके बारे में हमें पता चलेगा। در واقع یک نان نابشتر خوش میزه است که مثل پیتزا درست میکنن. این غذای در مناطق مختلف به صورت های مختلفی ده میشود، اما معمولا از یک خمیر تهیه میشود بعد یک تکه های بشیر مخصوص که آن را داخل فردن تنوری و برشته میکنند. قبل از سرم گاهی روی آن تخم مرغ و کرمی ریزانت همراه یا توشید نوشیدینی های مختلف صرف میکنند. خیلی ممنون. سر یه میرا خیال ہے که یه کوئی بیک کیوی چیز ہے گرجستان خاچه پوری، لیک گرجستان خاچه پوری اشنا پیشویم که آپ اس کو جانتے ہوں گے. خاچه پوری جو ہے وہ غذائی ملی گرجستان میں واقع ہے. ایک نان जी मैं पूरा नहीं होता सर, फादर है। अच्छा ओहो अच्छा अच्छा तो हाँ तो देखते हैं ये खानम अकेला जो है ना वो जल्दी से उसको पूरा कर दे। و بره مثل مراسم و روسی و مهمانی های مهم و بزرگ تهیه می کنند. این غذا ظاهری بسیار زیبا و رنگارنگ دارد و این حال گاهی برای زیبا تر کردن ظاهر غذا روی آن را با چیزهای دیگری تزیین می کنند. तज़ीन में को उसको डेकोरेट करते हैं। तो मैं एक दावत पर गया था तो हमारे कुलीग थे अफ़गान, तो उन्होंने जो डिश के ऊपर बड़े आला किस्म के बादाम अखरोट और जितनी जो थी ना वो ड्राई फ्रूट उस पर काजू ये चीज़ें जो थी वो उसकी ड्रेसिंग की हुई थी। तो बहरहाल हम गुर्जिस्तान चलते हैं। गुर्जिस्तान खाचा पूरी बे गुर्जिस्तान बे रवीम। चलिए गुर्जिस्तान चलते हैं व बा खाचा पूरी आशना बेशवीम। और हम गुर्जिस्तान काबा ईरान में या अफगानिस्तान में? नहीं नहीं ना ईरान में है ना अफगानिस्तान में है, ये गुर्जिस्तान जी ये जॉर्जिया है, ये ईरान के मगरिब में आता है, ये शिमाल मगरिब में होगा। तो खाचा पूरी गजा ये मिली है गुर्जिस्तान अस, खाचा पूरी गुर्जिस्तान की जो है वो मिली गजा है या नेशनल फूड है। वदर वागे और हकीकतन एक नोए नानो पनीर खुश मजाज, ये दर हकीकत एक पनीर वाली रोटी जो है जो बहुत ही लजीज रोटी है वो है कि ओनरा मिसले पिज्ज़ा दुरुस्त मिकुनान, जिसे पिज्ज़ा की तरह जो है ये इसको पकाया जाता है। ये हमारे घर के पास ही एक तनूर है तो वो ये बाकायदा नान लगाता है उसके पनीर वाले तो तनूर के अंदर, तो शायद शायद ये वैसा ही हो। दुरुस्त कर दन, सर दुरुस्त कर दन और पुख्तन
इन दोनों में दोनों एक ही हम माने होंगे या अलग-अलग? जी नहीं, एक ही बात है। पुख्तन और दुरुस्त करदन बिल्कुल दोनों जो हैं एक मानी में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर है इन गज़ा दर मनातक मुख्तलिफ बे सूरत हो, ये मुख्तलिफ ही तहैया मिशवत, गुर्जिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसको तैयार करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अम्मा लेकिन मामूलन आज ये खमीर तहैया मिशवत, जो मामूलन जो है मामूल जो उनका है ये हमेशा जो है ये एक गूंधे हुए आटा जो है उसी से जो है ये तैयार की जाती है। खमीर जो है ये जो आटा जिसको हम गूंद लेते हैं उसे हम खमीर कहते हैं। यह बात कहा ये पनीर मखसूस के उनरा दाखिल फिर, या फिर ये है कि उसके अंदर कुछ मखसूस जो है वो पनीर के टुकड़े जो हैं उनका इजाफा किया जाता है और बाद जहाँ दर दाखिल फिर या तनूरी व बरिश्ते में कुनैन, या फिर उसको फिर तनूर के अंदर ओवन के अंदर या फिर जो है ये कुकिंग रेंज जो है उसको हम फिर कहते हैं और उसके अंदर उसको बरिश्ते यानी उसको पकाया जाता है। बरिश्ते रोस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल, जैसे लफ्ज़ कबाब करदन है बरिश्ते करदन दोनों तकरीबन एक मानी में इस्तेमाल होते हैं। फिर कबल सर्व हम गौही रुए उन तोख में मोर व करेमी रिजन, और कभी कभार उसको सर्व करने से पहले उसके ऊपर जो है वो अंडा या फिर यह है कि मक्खन जो है उसका इजाफा किया जाता है। व हमराह ब नूशीदनी हो ये मुख्तलिफ सर्फ मिकुनान, और उसको जो है मुख्तलिफ सॉफ्ट ड्रिंक के साथ जो है वो सर्व करते हैं। यहाँ तक था आज का दर्स। अगला जो पेज है वो बिल्कुल इन्हीं इबारात के मुतल्लक जो सवालात हैं तो उसके हाँ या ना में जवाब होंगे, जो आप अगर आगे अभी अभी अगर आप करना चाहें तो बड़ा आसानी से हम कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है अगर आपको जल्दी नहीं है तो, वगरना जो है फिर वरना फिर बेफरमाइद मात बेखोनीद व बरासो से मात मवाज गजाई ज़ीरा दर जदवल दस्ते बंदी कुनीद। हमने ये दाईं तरफ जो पेज नंबर 7 है उस पर तमाम तीनों इबारात जो है उसको हमने पढ़ा है। अब वो कहते हैं कि उसकी तरफ आप एक नज़र फिर उसको देख लें और फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप में से कोई एक जिसने पहले शेयर नहीं किया और वो पढ़ना चाहते हैं तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनको उनके मानी बता दें मुझे। शेर शाह साहब आप आ गए हैं? नहीं जी जी डॉक्टर साहब, सर मैं अभी कहीं जाना चाह रही हूँ, मेरे से मैं ना तो ये इसकी रिकॉर्डिंग नीचे जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग आ रही है आपको, बिल्कुल आ रही है जी। ओके जी शेर शाह साहब आप खुदा हाफिज़, बे खुदा सपुर्दीम जी पढ़िए जी। ओके सर ये दर दर के मतलब नहीं आप मतलब? आप कहाँ पहुँच गए, दर के मतलब में तो नहीं जाना हम दर जी जी दर के मतलब आप नीचे जदवल में आ जाएं जो हाशिया के अंदर चीजें लिखी हुई हैं। पनीर पनीर बोजे ब्रेंच किशमिश तमीर अदोये। हाँ ऐसा है, मैं जी मैं आपके लिए ये सारे अल्फाज मैं एक दफ़ा दोहराता हूँ। पनीर गूजे, गूजे का लफ्ज़ ये गूजे फरंगी मुकम्मल होता है टमाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिरेंज चावल, किशमिश ये उर्दू में भी किशमिश है। तुख्मे मुर्ग मुर्गी का अंडा। गूश ये गोश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हवेज गाजर, सुमाक ये मसाला है कबाब के लिए। और फिर है करे, ये करे जो है मक्खन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप इसी लफ्ज़ को कुर्रे आप कहें तो ये
शेर शाह साहब अपना माइक बंद कर लें जी। तो कुरे जो है, अगर हम कुरे कहेंगे तो ये फुटबॉल के लिए, कुर्रतुल कदम जो है फुटबॉल के लिए इस्तेमाल होता है। कुर्रे किसी भी राउंड चीज़, ग्लोब के लिए भी हम लफ्ज़ कुर्रे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम रे के ऊपर तशदीद पढ़ें कुर्रे, तो ये जो है ये बछड़ा किसका, घोड़े का, जिसको हम पोनी अंग्रेज़ी में कहते हैं, तो ये उसके लिए जो है ये भी इस्तेमाल, कुर्रे आस्प, या फिर कुर्रे ये खर, गधे का जो बच्चा है उसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो लेकिन जब हम करे कहेंगे तो इसके मानी मक्खन के हैं। किशमिश, खमीर, खमीर से मुराद है गूंदा हुआ आटा, और अदविया से मुराद है मसाला जात। फिर हम आ जाते हैं तमरीन दो, हर कदम अज जुमला हो ये जीर दरबारी खुदम गजास उन दार जाओ ये खाली बेनवीसी। ये चार जुमले हैं, आपने बताना है कि ये चार जुमले बारी बारी हर एक जुमला कौन सी गजा के लिए है, जो आपने यहाँ दाईं तरफ तीन गजाएं पढ़ी हैं। मसलन सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं जी, डॉक्टर शब्बीर साहब के पास चले जाते हैं जी। बीशतर अजीज एक नाम दौरद, छह चीजें हैं इसके, बीशतर आज एक नाम दौरत हतमन कबाब, कबाब हस्तन चंद नाम अज कबाब मा बोर्दीन, कबाब बार, कबाब कुबीदे, कबाब चेंजे, कबाब शिशले या सुल्तानी वगैरह वगैरह जी। खानम शेरवानी, शबीह पे ये गजाई दीगर अस्त, ये कौन सी गजा के मुतलक है के बारे में? मेरा ख्याल है कि ये खाचा पूरी के बारे में, जो कि पिज्जा के ये पिज्जा से मिलती जुलती गजा है। वो कहते हैं वो कौन सी गजा है जो एक और दूसरी गजा के जो है मुशाबे है। तीसरा जुमला जो है, खाना में अकीला बेफरमाइद दर मेहमानी हो ये खास मी पसंद, कौन सी चीज है? काबली, काबली पुलो जो है इसको हम गजाए मजलसी भी कहते हैं, और ख़ास मेहमानियों में शादी ब्याह के जो जश्न होते हैं उनमें भी इसको पकाया जाता है जी। जनाब आगे मजहर चहारुम दर किनारे उन नौशीदनी हम मी गुजारन, कौन सी ऐसी गजा है कि जिसके साथ जो है सॉफ्ट ड्रिंक रखी जाती हैं नहीं हजरत, ये आखिरी गजा खाचापुरी, खाचापुर ये खाचापुरी के बारे में हमने पढ़ा था। तमरीने से दरबारी ये पुरसिशा ये जीर बाहम किलासी खुद बहस कुनी व एक मत बेनवीसी, ये इसके बाद आगे जाएं, ये आपकी दोनों तमरीनात एक्सक्लूसिवली आपसे ताल्लुक़ रखती हैं। इनको पढ़िए, खुद ब खुद इनके जवाब भी दें, और ख़ुद कलामी करें या ख़ुद नवीसी करें, तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते को मुलाकात होगी। खानम अकीला वो आ गए, वो क्लिप्स आ गए आपके जी 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 बोलें। वो आपका रिकॉर्डेड मैसेज मैंने फॉरवर्ड कर दिया था हसनैन साहब को। हसनैन साहब चूंकि आजकल लाहौर में बसर कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए काम के लिए गए हैं, अगले हफ्ते से इंशाल्लाह वो आपके साथ होंगे और आपकी शिकायत उन तक पहुंच गई है इंशाल्लाह। जी क्या चीज इश्तिहा, तो भूख तलब को कहा जाता है, टिक्के टिक्के टुकड़े को कहा जाता है, ये वही टिक्के हैं जो हम टिक्का कबाब करते हैं, टिक्के से मुराद टुकड़ा है। सर ये अभी तो नहीं ना इसको इस्तेमाल करना, ये जो आ गया फिर? नहीं 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 नहीं, एक 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 मुलाकात के बाद जी।
जी इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़ शुमा। अस्सलाम वालेकुम जी।